खबर आपको दें, कोरोना वायरस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी पहुंच चुका है। कोयटा में वाकई दफ्तर के 22 मुलाजमीन जानलेवा वायरस का शिकार हो चुके हैं। पहला केस कोयटा के रीजनल इनकम टैक्स ऑफिस में 18 अप्रैल को सामने आया, जिसके बाद तिब्बी टीम ने इमारत का दौरा करके टेस्ट के लिए 164 मुलाजमीन के नमूने हासिल किए। टेस्ट के नतायज आने पर 22 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई, जबकि 85 अफराद के टेस्ट मनफी आए। तमाम मुतासरा मुलाजमीन को करंटीना अख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गई है। जिन 22 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, उनका ताल्लुक ग्रेड 1 से 15 तक से है। RTO के एक ऑफिसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि बार बार दरख्वास्त के बावजूद मुलाजमीन को सूरत हाल की संजीदगी का इदराक नहीं किया, जिसके बायस हालात संगीनी इख्तियार कर गए। SBR हेडक्वार्टर की वाज़ेह हिदायत के बावजूद एहतियाती तदाबीर के हवाले से गफलत बरती गई, जिसके बायस रीजनल ऑफिस में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है।